शिवपुरी में रोजगार सहायक पर हमला, आरोपियों के मकान पर बुलडोजर चलाने की मांग। रोजगार सहायक पंचायत सचिव संघ ने 10 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट में दिया ज्ञापन। मांगों को लेकर शुरू की कलमबंद हड़ताल। शिवपुरी जिले के कोलारस विधानसभा क्षेत्र में बीते दिन विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान ग्राम में घोना बड़ा में रोजगार सहायक रामकुमार यादव पर हुए हमले को लेकर रोजगार सहायक और पंचायत सचिव संघ ने आरोपियों के मकान पर बुलडोजर चलाने सहित 10 सूत्रीय मांगों को लेकर आज कलेक्ट्रेट में जिला पंचायत सीईओ को ज्ञापन दिया है। आपको बता दें कि यहाँ बीते दिनों मेघोना बड़ा के रोजगार सहायक राम कुमार यादव पर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में शील कुमार यादव, सरपंच पति राजवीर यादव, कप्तान यादव और उनके साथियों ने हमला कर मारपीट कर दी थी। इस दौरान आरोपियों द्वारा बंदूक से हवाई फायर भी किया गया था, लेकिन इस मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कराते समय गोली चलाने का कोई जिक्र नहीं किया गया है, जबकि गोली चलने के बाद जनप्रतिनिधिगण अधिकारी कर्मचारियों द्वारा भाग कर जान बचाई गई। संघ द्वारा ज्ञापन के दौरान बताया गया कि पुलिस द्वारा बमुश्किल FIR रात्रि 1:24 पर दर्ज की गई, जो महज खानपूर्ति है। ग्राम रोजगार सहायक उक्त घटना में कहीं दोषी न होने के बाद भी उसके विरुद्ध FIR दर्ज की गई है। प्रकरण में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। पूर्व में शिवपुरी जिले के रोजगार सहायकों के साथ भी घटनाएं घटित हुई हैं, जिनमें FIR कर मात्र खानपूर्ति की गई है। इसलिए रोजगार सहायक और पंचायत सचिव संघ ने ज्ञापन देकर मांग की है कि दोषी व्यक्तियों की शीघ्र गिरफ्तारी की जाए। राम कुमार यादव, आप क्या करते हैं? मैं रोजगार सहायक हूँ, ग्राम पंचायत। अच्छा, आपके साथ कोई घटना हुई है? क्या घटना हुई है? मैं विकसित भारत संकल्प यात्रा का ग्राम पंचायत मेमोनावाड़ा में आयोजन चल रहा था। सभी अधिकारी एवं कर्मचारीगण मौजूद थे। मैं वहाँ पे अपनी ड्यूटी कर रहा था, आवेदन ले रहा था, आयुष्मान कार्ड आदि की कार्य करवा रहा था। इतने में सरपंच पद प्रतिनिधि शील कुमार, कप्तान यादव, राजवीर यादव, ये सब लोग आ गए। तू बहुत नेता बन रहा है, हमारे हिसाब से काम कर, तू नेता बन रहा है, तुझे देख लेंगे, मारेंगे, कूटेंगे। लेकिन देखो, मेरे से अगर आपको कोई दिक्कत है, आज सब अधिकारी हैं, आप उनसे बोल दो, मुझसे बात करने की कोई तुम्हें ज़रूरत नहीं। इतने में वो आ गए और गुस्सा हो गया कि तुझे हम देखते हैं, क्योंकि मुझे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतने में आके वो सब लोग इकट्ठे हो गए और सब मेरे को लात घुसा सब पीटने लगे चारों तरफ। उस टाइम कौन कौन मौजूद था वहाँ पर प्रोग्राम? जनपद सीओ साहब थे, तहसीलदार साहब थे, जिला पंचायत अध्यक्ष नेहा यादव थी और समस्त पटवारी अगर सब सब प्रोग्राम। किसी ने बचाने की कोशिश नहीं करी? किसी ने कोई बचाने की कोशिश नहीं की, सब निकल गए थे। पुलिस में गए थे, थाने में गए थे, थानेदार द्वारा थाने में कोई अच्छी सुनवाई नहीं की।